देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। यहाँ भी उपसारणिक और सखंड निकाला है। पहला देखो इसमें का माइनर ऑफ इसका यहाँ रहेगा यहाँ हटेगा, ये चारों बचेगा। 1001 क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 - 0 यानी कि 1। M12 यह लेंगे, यह कॉलम और यह रो हट जाएगा, आपका बचेगा 0001 यानी क्या जाएगा 0 - 0, 0। M13 यह रो यह कॉलम गया, आपका यह चारों 0100 0100 0100 0100 ठीक है, आपका 0 - 0 यानी कि 0। फिर आपका M21 यह रो और यह कॉलम 0000001 यहाँ भी आ जाएगा 0 - 0, 0। M21 हो गया 22 यह लेते हैं, यह रो यह कॉलम हटेगा 1001 चलो यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 1 - 0 यानी 1। M23 तो M23 यह रो यह कॉलम हटेगा आपका 1000 यानी कि आ जाएगा 0 - 0 यानी 0। M31 तो यहाँ पे यह लेंगे तो यह रहा यह कॉलम हटेगा 0010 यानी कि 0 - 0, 0। M32 यह रहा और यह कॉलम हटेगा आपका 1000 यहाँ भी 0 - 0, 0। चलिए M33 ठीक है यह लेंगे तो यह रहा और यह कॉलम हटेगा आपका यही 1001 तो यहाँ आ जाएगा आपका कितना 1 - 0 यानी कि 1। सबका माइनर निकल गया। कोफैक्टर में आपको क्या करना है, अगर इसी को मैं कोफैक्टर बनाना चाहूँ, सभी को कोफैक्टर माइनर आप लिख लोगे, मैं इसका आपको फैक्टर बना देता हूँ, कितना सिंपल है यहीं से देखो आपको पता चल जाएगा। कोफैक्टर में इसी को मिटा कर बना देता हूँ, क्यों अपना टाइम बर्बाद करो और आपका भी ठीक है। तो कोफैक्टर में माइनर ही देखना है, बस वो चिन्ह खाली बदल जाता है आपको पता ही है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैपिटल में A11 या C11 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके चिन्ह परिपाटी के बारे में आपको बता ही रखा है, चिन्ह योजना इसकी पता है ना जी। यहाँ यह प्लस में रहेगा, यहाँ पे आप बस बाहर माइनस लगा दो, माइनस लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह 0 ही आएगा। यह देखो A13 प्लस में होता है छोड़ दो, A21 ये वाला ये माइनस में होता है तो यहाँ माइनस लगाओ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 ही आएगा। A22 तो यह प्लस में होता है, चलिए यही रहने देंगे। A23 यह को फैक्टर निकाला है, A23 तो यह माइनस में होता है ना जी, तो यहाँ बाहर खाली माइनस लगेगा, लेकिन बाहर माइनस लगाने से कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा, 0 ही आएगा। A31 प्लस में होता है छोड़ देंगे, A32 माइनस में होता है देख लो, चलिए बाहर जो है माइनस लगा देंगे, सॉल्व करेंगे, बाहर माइनस भी लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही है 0 आएगा। और A33 प्लस में होता है छोड़ देंगे, यानी कि बस इसमें चिन्ह देखना होगा को फैक्टर निकाल के, लिखना है माइनर वाले मान को ही। चलिए दूसरा इसका देख लेते हैं, चलिए 2।